अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी दोस्तों परेशान हैं मोबाइल एड्स के बारे में? जो एड्स आपके मोबाइल के ऊपर ख़ुद ब खुद चल जाते हैं, ख़ुद ब खुद ऐड आना शुरू हो जाते हैं, उनको हम कैसे बंद करेंगे? तो एड्स को बंद करने का मुकम्मल तरीका, तीन तरीके आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि आप मोबाइल्स के ऊपर चलने वाले जो एड्स होते हैं उस ख़ुद ब खुद एड्स को हम कैसे परमानेंटली क्लोज़ कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर जो एड्स आ जाते हैं, ख़ुद ब खुद जो ऐड आ जाते हैं हम उसको कैसे बंद करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको तीन तरीके बताएंगे, उन तीन तरीकों से कैसे जो है ऐड को हम बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए, जो कि मोबाइल के ऊपर ख़ुद ब खुद ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। इस परेशानी का सलूशन आज की इस वीडियो में है कि हम ऐड्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं परमानेंटली। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। आपने जाना है प्ले स्टोर के अंदर, तो प्ले स्टोर के अंदर मैं आ जाता हूँ। प्ले स्टोर के अंदर आपने इस तरह से आ जाना है, अपने अकाउंट्स वाले जो बटन है इस तरह से आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा, प्ले स्टोर की आईडी बनी होगी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्लिक करना है प्ले प्रोटेक्ट, प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे मैं प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। नो हार्मफुल ऐप, कोई ऐसी ऐप नहीं है जो कि इसके अंदर जो हमारे मोबाइल के अंदर वायरस पैदा करे और एड्स पैदा करे। आप कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये उसको स्कैन करेगी, स्कैन करके उसके अंदर जितने भी वायरस होंगे वह आपके मोबाइल के अंदर से ख़त्म कर देगी। तो ये स्कैन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी ऐप होगी वो आपकी स्कैन कर दी जाएगी। जैसे कि मेरी थी तो मैंने 47 मिनट पहले जो मैंने इसको स्कैन कर लिया है। आप यहां से उसको स्कैन कर सकते हैं, प्ले उसको स्कैन करेंगे, कोई भी ऐप होगी इसके ज़रिए से आपके मोबाइल के अंदर जो है वो नहीं एड्स आएंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास सेटिंग, जो सेटिंग नंबर दो है हमारे पास वो क्या है, आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो मैं सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ। सेटिंग में अंदर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है गूगल का, आपके मोबाइल में भी आएगा। गूगल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है दोस्तों। मैं गूगल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह का हमारे पास कुछ आ चुका है, गूगल को क्लिक किया है तो आपने यहाँ पर इसको गूगल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इस तरह का थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप करें, डाउन करें तो ये हमारे पास जो है एड्स का ऑप्शन आ चुका है। एड्स, एड्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे एड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने एडवर्टाइजिंग एड की आईडी जो है बनी होगी, इसको रीसेट कर देना है, इसको डिलीट भी कर देना है। रीसेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ मोबाइल के अंदर ऑप्शन होती है कि एड्स, एड्स वाले बटन को अलाउ करते हैं, अलाउ करेंगे या नोट अलाउ करेंगे। तो एक बटन बना होगा उसके ज़रिए से आप यहां से इसको अलाउ भी कर सकते हैं और नोट अलाउ भी कर सकते हैं। आपने अलाउ होगा तो उसको नोट अलाउ कर देना है। मुख्तलिफ मोबाइलों के अंदर ऐसे है, यहां पर आप रीसेट कर देंगे, रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी। तो मेरे फ़ोन के अंदर ये है, दूसरे फ़ोनों के अंदर अलाउ का बटन लगा होता है, उसको आपने बंद कर देना है तो आपके एड्स आना बंद हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो है जी, आपको मुख्तलिफ ऐप्स के नोटिफिकेशन आएंगे तो आपने नोटिफिकेशन को ऊपर सर्च कर लेना है। तो मैं नोटिफिकेशन देख लेता हूँ कि नोटिफिकेशन हमने किस फ़ोन का रखना है, किस फ़ोन, किस ऐप का नोटिफिकेशन हमने रखना है, किसका हमने नोटिफिकेशन नहीं रखना। तो उसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ से, ये आ गया जी हमारे पास स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। मुख्तलिफ मोबाइलों में मुख्तलिफ तरह से नोटिफिकेशन लिखा होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैनेज नोटिफिकेशन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ कि हमें किस ऐप के नोटिफिकेशन चाहिए, किसके ऐड चाहिए, किसके नहीं चाहिए। तो मैनेज नोटिफिकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जिस ऐप के हमने नोटिफिकेशन नहीं लेने उसके एड्स हमें आएंगे, इसके साथ जो आते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो उनको मैं यहाँ से बिलफर्ज किया, मैंने इसका नोटिफिकेशन इसका मैं नहीं लेना चाहता दराज का। तो यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को अलाउ नोटिफिकेशन है तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा, तो इसके नोटिफिकेशन मुझे नहीं आएंगे तो ये बंद हो जाएगी। इस तरह से हम इसके नोटिफिकेशन जो है ऑफ़ करेंगे। मुख्तलिफ ऐप जो हमें हमारे इस्तेमाल में नहीं है रोज़मर्रा में, उसके हम नोटिफिकेशन को यहाँ से, हम जैसे ईमो को नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ इसको, इसका नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकता हूँ। इस तरीके का से जो है हम इसके अंदर जो एड्स होते हैं वही नहीं ऐप्स की वजह से आते हैं, जो ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं जो कि स्कैन नहीं होते, इसकी वजह से एड्स जो है हमें अलाउ हो जाते हैं, हमारे मोबाइल के ऊपर बार बार शो हो जाते हैं। इसके आगे एक चौथी सेटिंग भी हमारे पास है, अगर फिर भी आपके मोबाइल के अंदर एड्स ख़त्म नहीं हो रहे तो एड्स को हम कैसे क्लोज़ करेंगे। तो एड्स को क्लोज़ करने का सबसे शानदार और अहम तरीका ये है कि आप प्ले स्टोर के अंदर जाएँ। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे
यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है एड्स। तो मैं यहाँ से एड्स ब्लॉकर को क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं एड्स ब्लॉकर को क्लिक कर लूँगा तो आपने जो है इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आप जो है आपके मोबाइल के अंदर जो मुख्तलिफ एड्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो आपके अंदर मोबाइल के अंदर हमेशा के लिए जो एड्स जो है वो ख़त्म हो जाएं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।